कहानी शुरू होती है और हम एक छिपकली के झांट के बाल जख्मी लंड को देखते हैं जो अपने कॉलेज में होता है। वो एक लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ प्रोम पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी झांट जैसी शक्ल देखकर वो लड़की उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हॉट एंड सेक्सी गंडमरी की, जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि पूरा कॉलेज उसकी लेने के लिए तरसता था। जख्मी लंड जब गंडमरी को देखता है तो उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद हम बंद बल्ब को देखते हैं जो कि दिमाग से पूरा बावली गांड होता है और कॉलेज के कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। जख्मी लंड उसे बचाने उसके पास आता है, लेकिन वो लोग जख्मी लंड को ही जख्मी कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गंडमरी आ जाती है और हमें पता चलता है कि बंद बल्ब गंडमरी का सगा भाई है। गंडमरी जख्मी लंड की बहादुरी से इंप्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए पूछती है। ये सुनकर जख्मी लंड खुश हो जाता है और उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उस जैसे झाटू के साथ प्रॉम पर कैसे जा सकती है। अगले दिन जब जख्मी लंड यह बात अपने दोस्तों को बताता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं कि भोसड़ी के अपने आप को देख, गधे के टट्टे भी तेरे से ज्यादा खूबसूरत होते हैं और गंडमरी तेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। जिस पर जख्मी लंड कहता है कि हाँ, कल रात तुम लोग खुद ही देख लेना जब मैं और वो साथ में प्रॉम पर आएंगे। फिर अगली रात जख्मी लंड तैयार होकर गंडमरी को प्रॉम पर ले जाने उसके घर पर आता है। वो दरवाजा नॉक करता है, तभी घर के अंदर से एक काला, बहुत ही काला आदमी बाहर आता है और उससे पूछता है कि चूतिए तुझे क्या चाहिए। जख्मी लंड कहता है कि मैं गंडमरी को प्रॉम पर ले जाने आया हूँ। इस पर काला आदमी कहता है कि गंडमरी तो पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉम पर चली गई है। अब ये सुनकर जख्मी लंड मायूस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अंदर से उसकी माँ बाहर आती है और कहती है कि ये नेवला तो बस मजाक कर रहा है, गंडमरी अंदर ही है, और वो उसे घर के अंदर बुला लेती है। फिर थोड़ी देर बाद गंडमरी तैयार होकर नीचे आती है, जो कि दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखते ही जख्मी लंड का छोटा चेतन उसकी पैंट के अंदर ही खड़ा होकर सलामी देने लगता है। अब जख्मी लंड उसके माँ बाप के सामने इंप्रेशन छाड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके भाई बंद बल्ब के पास जाता है और उसे एक बॉल गिफ्ट करता है। लेकिन तभी बंद बल्ब के अंदर एक पागल सुअर की आत्मा आ जाती है और वो जख्मी लंड को कुत्ते की तरह मार मार कर उसका भूत बना देता है। फिर गंडमरी उसे बताती है कि इसके पिछवाड़े में सुअर का खड़ा बाल है और अगर कोई इसके कानों पर हाथ लगाता है तो ये उसके पीछे जंगली सुअर की तरह बढ़ जाता है। अब इसी दौरान गंडमरी की ड्रेस खराब हो जाती है तो वो अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए अपनी मॉम के साथ रूम में चली जाती है। तभी जख्मी लंड को भी जोर का मूत लग जाता है तो वो मूतने के लिए उनके बाथरूम में चला जाता है। वो वहाँ पर मूत ही रहा होता है कि तभी वो खिड़की के बाहर खड़े दो कबूतरों को देखने लगता है। लेकिन तभी वो कबूतर उड़ जाते हैं और खिड़की की दूसरी तरफ गंडमरी होती है जो कि पूरी नंगी खड़ी होती है। अब गंडमरी की माँ जख्मी लंड को देखकर सोचने लगती है कि शायद जख्मी लंड मेरी बेटी को नंगी देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला रहा है। लेकिन जख्मी लंड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी दौरान जब वो अपनी पैंट की जिप को बंद करने लगता है तो उसका लंड उसकी जिप में फंस जाता है, जिसके दर्द से जख्मी लंड के प्राण निकल जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले टॉयलेट के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद गंडमरी का बाप जख्मी लंड की मदद करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन जब वो उसके लोड़े को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि इसने तो कतई अपने लोड़े का गला घोट रखा है। इसके बाद वो गंडमरी की मॉम को वहाँ पर बुलाता है और जब वो भी उसके लोड़े को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि इसने इसको चैन में फंसाया कैसे। इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो भी उसके लंड को देखकर हैरान हो जाता है। अब देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और सभी जख्मी लंड के फंसे लोड़े को देखने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो पुलिस वाला उसके लोड़े को जिप से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका लोड़ा और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। वहीं शहर के सभी लोगों को इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसके फंसे लंड को देखने के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद जख्मी लंड को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हम जख्मी लंड को देखते हैं जो अब काफी हैंडसम हो चुका है और एक राइटर बन चुका है। वो बताता है कि उस रात के बाद से उसने गंडमरी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन अभी भी वो उससे उतना ही प्यार करता है और एक दिन वो उसे ढूंढ कर रहेगा। इसके बाद वो अपने एक दोस्त समीर फुद्दी से मिलने जाता है और उसकी वाइफ और बच्चों को देखकर कहता है कि मैं भी तेरी तरह अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके। इस पर समीर फुद्दी कहता है तो तू कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता। लेकिन जख्मी लंड कहता है कि मैं अभी भी गंडमरी से प्यार करता हूँ और मुझे पता चला है कि वो अपनी फैमिली के साथ मायामी शिफ्ट हो गई है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उसने अभी तक शादी करी है या नहीं। इस पर समीर फुद्दी उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में बताता है और कहता है कि वो तुम्हारे लिए गंडमरी के बारे में पता लगा सकता है। जिसके बाद जख्मी लंड उस प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने उसके ऑफिस जाता है और इस डिटेक्टिव का नाम होता है ठोकुमल। अब ठोकुमल उसका ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वो गंडमरी का पता लगाने सीधा मायामी पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचते ही ठोकुमल गंडमरी के घर जाता है और उसके घर के बाहर से उस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद हम गंडमरी को देखते हैं जो कि अब पहले से ज्यादा मस्त हो चुकी है और उसकी चूचियाँ भी अब पहले से सॉलिड हो चुकी हैं।
गंडमरी अब एक सर्जन है जो कि एक बूढ़ी औरत दिल का दौरा के साथ एक ही अपार्टमेंट में रहती है। अब थोकुमल गंडमरी का पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसे गोल्फ खेलना बहुत पसंद है। फिर गोल्फ खेलने के बाद वो अपनी कुछ छिनाल सहेलियों के पास जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो नेपाल से हो और पेशे से एक आर्किटेक्ट हो, और जब तक उसे ऐसा लड़का नहीं मिलता वो अपनी उंगलियां घुसाकर ही काम चलाएगी। वहीं थोकुमल भी बैठा होता है और उसकी ये बातें सुन रहा होता है। फिर रात को वो गंडमरी की खिड़की से उसे देखने लगता है, जहाँ पर गंडमरी अपने कपड़े उतार रही होती है। अब थोकुमल को उसकी चूचियां नजदीक से देखनी थी तो वो बड़ी वाली दूरबीन का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर थोकुमल को गंडमरी की चूचियां बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए अब वो उसकी लेना चाहता था। फिर अगले दिन थोकुमल जखमीलैंड से मिलता है और उसे झूठ बोलता है कि गंडमरी की शादी हो चुकी है, वो भी 3-4 अलग अलग आदमियों के साथ, और उसके 4-5 बच्चे भी हैं। इसके अलावा वो अपाहिज हो चुकी है और अब वो व्हीलचेयर पर है। दरअसल यहाँ पर थोकुमल ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो भी अब गंडमरी से प्यार करने लगा था और उसकी लेना चाहता था। लेकिन गंडमरी के बारे में ये सभी बातें सुनकर जखमीलैंड मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात को जब जखमीलैंड गंडमरी की फोटो देखता है तो उसे लगता है कि भले ही उसकी शादी हो चुकी हो लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करता है, इसलिए फिर भी वो उससे मिलने के लिए जाएगा। इसलिए अगले दिन वो थोकुमल के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि थोकुमल भी अब मायामी शिफ्ट हो रहा है। जखमीलैंड उसे पूछता है कि तुम मायामी क्या करने जा रहे हो, तो थोकुमल उसे बताता है कि उसे वहाँ पर एक जॉब ऑफर मिला है। फिर जखमीलैंड उसे बोलता है कि उसने इस बारे में काफी सोचा और उसे लगता है कि उसे गंडमरी के पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो थोकुमल से गंडमरी का एड्रेस मांगता है। लेकिन थोकुमल उसे बोलता है कि गंडमरी तो अभी जापान चली गई है और वो जैसे ही वहाँ से वापस आती है मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेज दूंगा, और ये कहकर वो मायामी की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ पहुंचकर वो सीधा गंडमरी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गंडमरी उस जैसे चूते को कहाँ भाव देने वाली थी। इसलिए जब थोकुमल बातों ही बातों में उसे बताता है कि वो नेपाल से है और पेशे से एक आर्किटेक्ट है, तो गंडमरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है। फिर उसी रात थोकुमल गंडमरी के घर में आता है, लेकिन गेट पर उस बुढ़िया का कुत्ता था जो उस पर गुर्राने लगता है। तभी थोकुमल अपनी जेब से गांजे की गोली निकालता है और उस कुत्ते को खिला देता है। अब कुछ ही देर में वो कुत्ते को नशा होने लगता है और वो शांत हो जाता है। गंडमरी ये देखकर थोकुमल से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि ये कुत्ता आसानी से किसी को पसंद नहीं करता। जिसके बाद वो और बुढ़िया उसके लिए कुछ पीने के लिए लाने किचन में जाते हैं, लेकिन तभी थोकुमल देखता है कि ज्यादा नशा होने की वजह से वो कुत्ता कुत्ते की मौत मर चुका है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के वापस आने से पहले उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। पर जब कोई भी तरीका काम नहीं आता तो वो एक टेबल लैंप की तार निकालता है और उससे उस कुत्ते को शॉक देने लगता है, लेकिन ज्यादा करंट लगने की वजह से उस कुत्ते को आग लग जाती है। फिर उस आग को बुझाने के लिए थोकुमल जैसे ही उस पर पानी डालता है तभी वो कुत्ता वापस जिंदा हो जाता है। इसके बाद गंडमरी और थोकुमल साथ में डेट पर जाते हैं, लेकिन गंडमरी थोकुमल को एक आर्किटेक्ट एग्जीबिशन में ले जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात गंडमरी के एक दोस्त लंगड़े से होती है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है। वो थोकुमल से पूछता है कि अच्छा बताओ तुमने क्या क्या बनाया है। अब थोकुमल ने बिल्डिंग तो क्या एक टॉयलेट तक नहीं बनाया था, इसलिए वो बात को बदल देता है और गंडमरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर गंडमरी को भी अब थोकुमल पसंद आने लगा था। फिर घर जाने से पहले थोकुमल उससे पूछता है कि क्या वो उसकी चूचियां दबा सकता है, जिस पर गंडमरी उसे हाँ बोल देती है। फिर थोकुमल उसके पास जाता है और उसकी दोनों चूचियों को दबा दबा कर उसमें से सारा रस निकाल देता है। फिर अगले दिन जब गंडमरी अपने क्लिनिक में होती है तो वहाँ पर उसका दोस्त लंगड़ा उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने थोकुमल के बारे में पता लगाया है और वो कोई आर्किटेक्ट नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ चूतिया बना रहा है। वहीं थोकुमल भी उसके ऑफिस के बाहर होता है और माइक्रोफोन से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अब थोकुमल को जल्दी से जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकालना था, नहीं तो वो कभी भी गंडमरी को बजा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जखमीलैंड को देखते हैं, जिसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि गंडमरी शादीशुदा नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त समीर फुद्दी के साथ मिलकर गंडमरी से मिलने मायामी जा रहा होता है। फिर उसी रात हम गंडमरी और उसकी छिनाल सहेलियों को देखते हैं, जो कि छुपकर थोकुमल की बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पर थोकुमल भी उन्हें जानबूझकर अपनी बातें सुनाता है और कहता है कि मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ जिसने पूरी दुनिया में लोगों की मदद की है, लेकिन मैंने गंडमरी को झूठ बोला क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। इसके बाद वो गंडमरी को सब कुछ बताने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन गंडमरी उससे अब इतना इम्प्रेस्ड हो चुकी थी कि वो उस पर लपक कर उसे चूसना शुरू कर देती है। वहीं अगले दिन जखमीलैंड भी मायामी पहुंच जाता है और जब वो वहां पर गंडमरी और थोकुमल को चुमाचाटी करते हुए देखता है तो वो उसे गालियां देता है कि ये मादरचोद इतना बड़ा बहन का लोड़ा है कि इसने मुझे चूतिया बनाया ताकि वो खुद गंडमरी की ले सके। इसी दौरान गंडमरी का भाई बंद बल्ब जखमीलैंड को देख लेता है, जिससे गंडमरी को भी पता चल जाता है कि जखमीलैंड यहाँ पर उससे मिलने आया है। अब यहाँ पर गंडमरी उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुका था।
फिर बातों ही बातों में जख्मी लंड उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर गंडमरी भी उसे हाँ कर देती है। फिर उसी रात लंगड़ा गंडमरी के पास आता है और उसे बताता है कि ठोकुमल कोई सोशल वर्कर नहीं है, बल्कि वो एक क्रिमिनल है जिसने कई लोगों का मर्डर किया है। अब ये सुनकर गंडमरी शॉक्ड हो जाती है और वहीं बात ठोकुमल भी उसकी बातें सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि इस बहन के लोड़े का कुछ करना ही पड़ेगा। फिर जब लंगड़ा गंडमरी के घर से बाहर आता है तो ठोकुमल देखता है कि ये साला तो लंगड़ा भी नहीं है और ये सिर्फ नाटक कर रहा था। उसी रात जख्मी लंड को गंडमरी के साथ डेट पर जाना था तो वो बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी समीर फुद्दी उसे कहता है कि तू जाने से पहले अपनी हाथ गाड़ी चला ले, इससे तू रिलैक्स हो जाएगा। अब समीर फुद्दी की बात सुनकर जख्मी लंड अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका माल छूटता है तभी गंडमरी भी उसके घर पर आ जाती है। अब अपना माल साफ करने के लिए जख्मी लंड जब नीचे देखता है तो उसका माल वहाँ पर नहीं होता। जख्मी लंड को लगता है कि शायद उसका माल बाथरूम में ही गिरा होगा, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर गंडमरी से मिलने के लिए दरवाजा खोलता है। पर तभी गंडमरी की नजर उसके कान पर पड़ती है जहां पर उसका माल चिपका हुआ था। अब गंडमरी को लगता है कि शायद ये हेयर जेल है, तो वो उसे उतार कर अपने बालों में लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम ठोकुमल को देखते हैं जो कि लंगड़े को दबोच लेता है और उसे पीटने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये साला तो आर्किटेक्ट भी नहीं है और ये सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। तभी लंगड़ा उसे बताता है कि मैं गंडमरी से बहुत प्यार करता हूँ और जब से मैंने उसे देखा है तब से मैंने हिला हिला कर अपनी पूरी टंकी खाली कर दी है। उधर गंडमरी और जख्मी लंड साथ में डिनर पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। फिर जख्मी लंड उसे बताता है कि वो एक राइटर है और अपनी एक बुक पर काम कर रहा है। वहीं वो दोनों चूतिए भी उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब गंडमरी शायद जख्मी लंड को पसंद करने लगेगी। तभी ठोकुमल को एक आइडिया आता है और वो नीचे से दो गांजे की गोली गंडमरी के घर में फेंकता है, जहाँ पर वो बुढ़िया और उसका कुत्ता उस गोली को खा लेते हैं। इसके बाद बातों ही बातों में गंडमरी जख्मी लंड को घचागच करने के लिए अपने घर में बुलाती है, लेकिन जब वो दोनों घर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बुढ़िया के अंदर खली की पावर आ चुकी है और वो सोफे को एक हाथ से उठाकर सफाई कर रही होती है। तभी गंडमरी जख्मी लंड से कहती है कि तुम जाकर उस कुत्ते को देखो, कहीं वो टॉयलेट को गंदा ना कर दे। फिर जैसे ही जख्मी लंड उस कुत्ते को देखने जाता है, वो गंजेड़ी कुत्ता जख्मी लंड पर टूट पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में होती है एक खतरनाक फाइट। अब इस फाइट में उस कुत्ते की तो सारी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन जख्मी लंड और गंडमरी के बीच में और भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गंडमरी को एक लेटर मिलता है जिससे उसको पता चलता है कि जख्मी लंड ने ठोकुमल को यहाँ पर उसकी जासूसी करने भेजा था। अब गंडमरी को लगता है कि जख्मी लंड ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो जख्मी लंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी था अब वो खत्म हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब गंडमरी क्लिनिक से वापस अपने घर पर आती है तो वहाँ पर समीर फुद्दी होता है जो उसे बताता है कि वो लेटर मैंने ही तुम्हें भेजा था। वो गंडमरी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बजाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो गंडमरी पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर ठोकुमल और लंगड़ा आ जाते हैं और समीर को उससे बचा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जख्मी लंड आ जाता है और वो समीर फुद्दी को कहता है कि तुम गंडमरी के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारी तो इतनी सुंदर वाइफ और बच्चे हैं। लेकिन इस पर समीर फुद्दी उसे कहता है कि गंडमरी की चूचियाँ बहुत सॉलिड है और मैं इन्हीं चूचियों पर फिदा हूँ। अब सभी एक एक करके गंडमरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहते हैं, लेकिन गंडमरी सभी को मना कर देती है क्योंकि उन सभी बहन के लोड़ों ने उसे धोखे से पाने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर जख्मी लंड एक आदमी को लेकर आता है जो कि गंडमरी का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो उससे अभी भी प्यार करता था। जख्मी लंड कहता है कि सिर्फ एक यही आदमी है जिसने गंडमरी को कभी भी झूठ नहीं बोला, जिसके बाद वो उस आदमी को गंडमरी को सौंप कर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी गंडमरी भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।